श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सावन मास की सभी को हार्दिक बधाई हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सब पे सदा सर्वदा बना रहे। सावन सोमवार की व्रत कथा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशान होने के बजाय सावन सोमवार का व्रत करके इस कथा का पाठ करें या फिर सुने। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मन चाहे मुरादें पूरी होती हैं। अब सुनिए सावन सोमवार व्रत की पावन कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसे अवश्य दूर करें। भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती बोलती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और अपने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु में हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा किसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुको वहां पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होने वाला था वो एक आग से काना था। तो उसके पिता ने जब अति ही सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वो तो एक आग से काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ये लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत ही देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो उसका भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा
कि अगर अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, इसे जीवन दान दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वो भोग चुका है। लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था, यदि उनका पुत्र शाकुशल ना लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। शिव जी का सच्चा भक्त कौन है, अब सुनिए एक और कहानी। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव जी को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूर्ण विश्वास था कि ये थाल तो हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हो गए। उन्होंने थाल यथास्थान पर वापस रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडित जनों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर ही वापस रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा साहब ने भी थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर राजा साहब भी लज्जित हुए और थाल उसी स्थान पर वापस रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोना नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ।
वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो भी खाना लाया था उसने वो उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करने जाने को हुआ ही था तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठा के देख लो, हो सकता है तुम्हें ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति किसान का मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों से एक आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ, मैं काय का सच्चा भक्त हूँ। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ आजमा कर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे कि महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हो गए हैं। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं तो केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य भी नहीं करता हूँ। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून मिलता है, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद सुकून और खुशी होती है उसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ महादेव मुझसे इतने खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो उम्मीद है आप दोस्तों आप सभी को ये कहानी कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें ताकि सभी लोग ये कहानी वीडियो सुन सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको जो भी वीडियोज़ डाली जाए उनकी नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।